मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है, क्योंकि माइंड ही है जो हमें कुछ ना कुछ करने की कमांड देता है। बिना माइंड के कमांड के हम हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, तो इसलिए हमें अपने माइंड को हर हाल में स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए मैं आप साथ शेयर करने वाली हूँ आज बिना अंडे का आमलेट। जैसे कि हम वेजिटेरियन हैं और हम अंडा नहीं खाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए ये रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं हम बिना अंडे का ब्रेड आमलेट। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैंने लिए हैं, एक कटोरी बेसन, 1/4 कटोरी मैदा, ब्रेड चाहिए हमें, और जो मसाले हैं सभी मसाले चाहिए, काला नमक चाहिए वो मेन है इसमें, टोमेटो, अनियन एंड हरा धनिया। तो हमने इनको अच्छे से धो लिया है, चलिए अब चॉप करते हैं। तो हमने अनियन, टोमेटो एंड कोरिएंडर को चॉप कर लिया है अच्छे से। अब हम जो है ये जो हमारा बेसन है वो लेंगे एक कटोरी, ये मैदा, मैदा इसमें बहुत जरूरी है डालना, क्योंकि बिना मैदे के ये जो है बेसन का चिल्ला बन जाएगा। ये मैदा ही है जो इसको एक डिफरेंट टेस्ट देगा। अब हम डालेंगे इसमें काला नमक थोड़ा सा, ये इसको अंडे की तरह फ्लेवर देगा। अगर आपने इसको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। रेड चिली, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन, गरम मसाला और बेकिंग पाउडर, जो मैं पहले बताना आपको भूल गई थी। ये जरूरी है ये स्टेप, क्योंकि इसी से ही अंडे की तरह फ्लफीनेस आएगी। ये मैंने लगभग 1/4 टीस्पून डाला है। अब हम इसको धीरे धीरे से पानी ऐड कर इसका एक गोल बनाएंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस टाइप की होनी चाहिए, ये पतला ही चाहिए हमें इस टाइप की। तो चलिए अब हम बनाते हैं ब्रेड आमलेट। उसके लिए जो है मैंने तवा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर, आप चाहो तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो, या दोनों मिक्स भी ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो ऑयल भी ऐड करूंगी ताकि जो हमारा जो बटर है वो जले ना। थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा टमाटो एंड करियंडर लिए, बस इसको जो है हमने 10-15 सेकंड्स के लिए ही पकाना है। अब हम डालेंगे इसमें बेसन का गोल। मैंने यहाँ पे अराउंड 1.5 स्पून लिया है, उसको हम जल्दी से अच्छे से पूरे तवे पे फैला देंगे। और एक ब्रेड लेंगे, उसको हम पहले ऐसे फिर इधर को ऐसे टर्न करके रख देंगे,
ताँ जो हमारा जो ब्रेड है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये एक साइड से पक चुका है, अब हम इसको रैप कर लेंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से भी पलट के पका लेंगे। ये आप देखिए बिल्कुल जो है ब्रेड आमलेट की तरह ही लग रहा है, अंडे के आमलेट की तरह ही लग रहा है। हमारा ब्रेड आमलेट ये हो गया रेडी, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जिनको ब्रेड पकौड़े काफी अच्छे लगते हैं वो भी इसको ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें ऑयल कम पड़ता है, इसलिए जो हेल्दी है एज कम्पेयर टू द ब्रेड पकौड़ा। ये बटर, थोड़ा सा ऑयल, अनियन, टोमेटो, सारा सेम ही प्रोसीजर है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हम अपना बैटर ऐड कर लेंगे। अब हम इसको रैप कर देंगे। अब ये एक साइड से पक चुका है, हम इसको पलट देंगे दूसरी साइड पे। ये कैमरा इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही ब्रेड आमलेट की तरह ही लग रहा है। आप देखिए बबल्स भी जो है वो बिल्कुल आमलेट की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा हो गया है ब्रेड ऑमलेट रेडी, वो भी बिना अंडे का। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा घर में, अगर आप अंडा खाते हो तो भी ट्राई करिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। दिल से दुबई नवनीत, थैंक यू।